हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मर्तबा 100% सीसीटीवी की निगरानी में होंगी, ये दावा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने किया है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय से भी परीक्षाओं के संचालन को लाइव देखा जा सकेगा। इसके लिए मुख्यालय में वर्चुअल बाल क्रिएट की जाएगी जो कि तैयार हो गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं इस मर्तबा 100% सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होंगी, ये दावा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने किया है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय से भी परीक्षाओं के संचालन को लाइव देखा जा सकेगा। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय में वर्चुअल बॉल क्रिएट की जाएगी जो कि तैयार हो गई है। वर्चुअल बॉल में लाइव देखा जा सकेगा कि परीक्षा कैसे चल रही है। लाइव किसी परीक्षा केंद्र में कुछ गलत नजर आएगा तो फोन पर सूचित करके सुधार को कहा जाएगा और एक्शन की जरूरत होगी तो एक्शन भी लिया जाएगा। यही नहीं, इस मर्तबा सीसीटीवी का बैकअप रखने के लिए एक शिक्षक को टेक्निकल इनविजिलेटर का दायित्व तो भी दिया जाएगा। ये सब प्रक्रिया स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए अपनाई जा रही है। गौरतलब है कि गत वर्ष आयोजित बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित नहीं हो पाई थी, लेकिन इस मर्तबा बोर्ड ने 100% परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में करवाने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों में फ्लाइंग आग्रह पूर्वक जाएगी जिससे स्टूडेंट्स में हड़कंपना मचे। एडीएम को फ्लाइंग का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एसडीएम की अध्यक्षता में उपमंडल स्तर पर फ्लाइंग टीम होगी। वहीं 22 प्रिंसिपल की अध्यक्षता में भी एक अलग से फ्लाइंग दस्ता होगा। किसी भी सेंटर में दो ही फ्लाइंग जाएंगी, यही नहीं बोर्ड की भी अलग से फ्लाइंग होगी। पीछे हमने ये प्रयास किया था कि सीसीटीवी कैमरा लग जाए सारे परीक्षा केंद्रों में, तो सीसीटीवी कैमरा उस वक्त लगे थे, कुछ ऐसे विद्यालय थे जिनमें नहीं थे, परंतु नकल के ऊपर रोक लगी। इस वक्त भी हम इस प्रकार की व्यवस्था की सारे के सारे केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा है, और वहाँ पर एक और व्यवस्था हमने की है कि टेक्निकल इनविजिलेटर, ऐसा एक पर्यवेक्षक के नाम ऐसा दायित्व दिया जाएगा अध्यापक को जो कंप्यूटर नोइंग होगा, और वो पूरे का पूरा बैकअप जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है उसका वो रखेंगे। जब भी फ्लाइंग स्क्वाड्स जाएंगे वो उसको देखेंगे, या बोर्ड के अधिकारी जाएंगे उनको देखेंगे, या बाद में भी हमें यदि जरूरत पड़ती है, आवश्यकता, किसी कंप्लेंट आती है तो उसको हम देखेंगे, खंगालेंगे कि वहाँ ठीक प्रकार से परीक्षा हुई है, नकल को रोका गया है कि नहीं रोका गया, तो इस प्रकार की व्यवस्था है। हाँ, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का कई बार मामला आ जाता है। वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड में भी एक वर्चुअल वॉल क्रिएट करेंगे और हो गई है, लगभग तैयार हो गई है, जिसमें हम लाइव देखेंगे रेंडमली कि किस परीक्षा केंद्र में कैसी परीक्षाएं कंडक्ट की जा रही हैं, तो यहीं से हम देख लेंगे। यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था होगी तो यहीं से उनको टेलीफोन के द्वारा आगाह किया जाएगा, और यदि कोई एक्शन लेने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो एक्शन लेंगे, लेकिन फुटेज वहाँ पर रहे। कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती नहीं है तो फुटेज वहाँ पर रहे, तो एक और बैकअप प्लान के आधार पर हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है जिससे कि नकल को ठीक प्रकार से रोका जाए। साथ ही साथ फ्लाइंग की व्यवस्था भी की है। फ्लाइंग में जिला में एडीएम जो होंगे, एडीएम अधिकारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, और एसडीएम जो भी अपने अपने हल्का में होंगे वो फ्लाइंग के हेड होंगे और निरीक्षण कर सकते हैं। उनके साथ सीनियर लेक्चरर, सीनियर टीजीटी, सीनियर सीएनडीबी उनके साथ रहेंगे, और एक और फ्लाइंग दस्ता इस बार हमने गठित किया है वाइस प्रिंसिपल के हेडशिप में, और उनके साथ भी सीनियर लेक्चरर, सीनियर टीजीटी, सीनियर सीएनडीबी रहेंगे। वो अपने जिला में कहीं पर जाकर निरीक्षण कर सकते हैं और प्रयास करेंगे नकल रोके। लेकिन जब नकल रोकने की बात होगी तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि फ्लाइंग ऐसे काम करेगी, बेनेवोलेंट फ्लाइंग, ये कॉन्सेप्ट, ये धारणा दी, आग्रह पूर्वक वो जाएगी, केवल दो ही फ्लाइंग स्क्वाड्स परीक्षा केंद्र में जाएंगे, बिल्कुल हड़कंप वहाँ पर नहीं होगा, कोई टेररिज नहीं करेंगे, वो अपना काम करेंगे। अगर नकल होगी उसे रोकने का प्रयास करें, केसेस भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिले,
ये व्यवस्था भी उनको बनाए कर रखनी है और इसको भी हम सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मॉनिटर करेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि बच्चों में हड़कंप ना रहे, वहाँ पर टेरर का कोई ऐसा वातावरण ना बने, बच्चे पीसफुल रहें और पीसफुली अपना काम वो कर सकें, पेपर ठीक प्रकार से दे सकें, एग्जामिनेशन परीक्षाएं ठीक प्रकार से दे सकें।